कारण है कि आज जस्टिस पारदीवाला खुलकर अपनी जो नाराजगी है वो यहां दिखाते हैं। वो ये कहते हैं कि अपने 30 साल के करियर में, 31 साल के करियर में उन्होंने आज तक इस तरह का मामला नहीं देखा। ये बहुत खतरनाक है। क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रही थी पुलिस? इस तरह के कई कड़े सवाल जो हैं वो जस्टिस पारदीवाला की ओर से ममता सरकार से पूछे गए, उनकी पुलिस से पूछे गए। बात करते हैं कटघरे में क्यों है ममता सरकार। टीएमसी में केवल बलात्कारी बचाओ, सबूत मिटाओ, बेटी को न्याय मत दिलाओ, ये चल रहा है। मिथिल जुलूस कर रहा है, वी वांट जस्टिस। आज जस्टिस रोकने के लिए ममता बनर्जी का सरकार का जो कोशिश, वो लाइव व्यू में पूरा भारत देख रहा है। इस राज्य में जब तक टीएमसी सरकार है और जब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, तब तक हमारा कोई सुरक्षा नहीं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री घृण्य जघन्य अपराध को छुपाने का पूरा टीम बनाती है, उनके पदत्याग चाहिए। डॉक्टर के साथ जो घटना हुआ है उसके जो अपराधी है उनको बचाने के लिए यहाँ की सरकार, मुख्यमंत्री जो कर रहे हैं इससे पूरा देश शर्मिंदा है। तो कोलकाता कांड पर बुरी घिरी है ममता सरकार। फटकार कल भी लगी, परसों भी लगी थी सुप्रीम कोर्ट से, और आज फिर जब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाती है सीबीआई द्वारा, उसके बाद एक बार फिर से ये फटकार लगती है। ये तीन जजेस का ये पैनल आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। जस्टिस यहाँ पर सीजीआई चंद्रचूड़ को आप देख रहे हैं, जिनकी अध्यक्षता में ये पूरा एक पैनल जो यहाँ पर गठित किया गया है। मनोज मिश्रा को आप यहाँ पर देख रहे हैं और जस्टिस पारदीवाला को आप देख रहे हैं। लेकिन किस तरह से कटघरे में खड़े कर रहे हैं ममता सरकार को, बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगती है। बंगाल पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जाते हैं कि कर क्या रही थी पुलिस, सब कुछ उसकी आंखों के सामने हो रहा था, सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी थी, या फिर यूं कहिए कि शह दे रही थी। कोलकाता केस में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की, क्या वो टिप्पणी की, एक एक कर उन टिप्पणियों को भी हम आपको बताएंगे। बंगाल पुलिस के काम का तरीका सही नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई। मामले में बंगाल पुलिस का आचरण शक के घेरे में है, संदेह के घेरे में है, जिस तरह का उसका आचरण रहा, जिस तरह की उसकी गतिविधियां रही। बंगाल पुलिस के एएसपी का बर्ताव भी बेहद संदिग्ध है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा टिप्पणी की गई। और 30 साल में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है, ये जस्टिस पारदीवाला की ओर से टिप्पणी की गई कि अपने 30 साल के करियर में ये पहला इस तरह का जो मामला है वो मैं देख रहा हूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हल्ला बोल जारी है इस मामले पर ममता सरकार के खिलाफ। बीजेपी पूरी मुखरता के साथ इस मुद्दे को उठा रही है। क्या कह रही है बीजेपी, उनके स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला का क्या कुछ कहना है, ये सुन पाते हैं। बल्कि बलात्कारियों के पक्ष में ममता बनर्जी की सरकार खड़ी है। सबूत हटाओ, बलात्कारी बचाओ, सच को छुपाओ और बेटी को न्याय मत दिलवाओ। पर दुख की बात यह है कि आज भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार तथाकथित अपराधियों के साथ और इस अपराध को पराशय देने वाले लोगों के साथ खड़ी है। देखिए किस प्रकार के बयान लगातार तृणमूल कांग्रेस के आए हैं। क्या ममता बनर्जी को नैतिक जिम्मेदारी उठाते हुए और न्याय में बाधा बनने के लिए अपना इस्तीफा नहीं देना चाहिए? ये दुख की बात है कि अभी भी इस प्रकार से बलात्कारियों के पक्ष में तृणमूल कांग्रेस खड़ी है और बेटी को न्याय नहीं दिलवा रही है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ पर शहजाद पूनावाला। लेकिन हर तरफ से ये हल्ला बोला जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ, उनकी पुलिस पर, जिस पर आज खुद टिप्पणी करता हुआ सुप्रीम कोर्ट नजर आया। क्योंकि सीबीआई द्वारा दरअसल जो आज स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई उसमें इस तरह की तमाम बातें हैं जो ये बता रही थी कि इस वारदात पर किस तरह से पर्दा डालने की कोशिश की जाती है। क्या कुछ है सीबीआई की रिपोर्ट में, ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पुलिस की लापरवाही का जिक्र सबसे पहले जो इसमें बात आती है कि पुलिस की लापरवाही वो मेंशन किया गया है इसमें, और ये भी कि घटनास्थल को सुरक्षित नहीं किया गया। वो जो क्राइम सीन जहां पर क्रिएट किया जाना था, रिक्रिएट किया जाना था, तमाम एविडेंस जो हैं वो कलेक्ट किए जाने थे, उसे सुरक्षित नहीं रखा गया। घटनास्थल चूंकि सुरक्षित नहीं था उस वजह से नुकसान हुआ, और अब तक हुई जो भी पूछताछ थी उसका भी जिक्र इस स्टेटस रिपोर्ट में किया गया है। जिनसे पूछताछ की
उनका ब्यौरा दिया गया। किस किस से ये पूछताछ हुई, क्यों इनसे पूछताछ हुई, क्या इनका रोल है, ये वो तमाम बातें जो हैं वो इस स्टेटस रिपोर्ट में दरअसल दाखिल की गई थी। अब हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम उन्हीं का यहाँ पर सीधे रुख करते हैं। अखिलेश राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कुछ और भी सहयोगी मेरे साथ जुड़ेंगे कोलकाता से भी, लेकिन पहले हम सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है उस पर पहले अखिलेश जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, आपने दिन भर देखा कि किस तरह की टिप्पणियां, कड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की गई, बल्कि जस्टिस पारदीवाला की नाराजगी तो इस हद तक थी कि उन्होंने कहा कि 30 साल में नहीं देखा, मैंने अपने करियर में नहीं देखा 30 साल के इस तरह का मामला, लेकिन सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट है उसमें कई अहम बातें कही गई हैं। अखिलेश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि आपका ऑडियो मुझ तक नहीं आ रहा है। मैं लौटूंगी, एक बार मैं फिक्स करवाती हूं कि क्या प्रॉब्लम यहां पर आ रही है, लेकिन एक बार जरा मैं अनामिका सिंह काली मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। अनामिका, आपको मेरी आवाज आ रही है? अनामिका नहीं, मुझे नहीं लगता है कि अनामिका तक भी मेरी आवाज आ रही है। तो अनामिका और अखिलेश जी का हम रुख करेंगे, लेकिन आइए हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से बता रहे हैं कि क्या कुछ उस स्टेटस रिपोर्ट में था, और साथ ही साथ ये कोलकाता कांड जो है इस पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कई तरह के सवाल उठाता है, वो सुप्रीम सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं। सबसे पहला सवाल जो इस पर किया जाता है, वो फायर करिए प्लीज विंडो में लेकर आइए उसको, कि घटनास्थल सुरक्षित क्यों नहीं किया गया? ये ठीक बात है, जिस जगह पर ये वारदात हुई आपको उसको सुरक्षित रखना चाहिए था, क्यों नहीं वो सुरक्षित किया गया? दूसरा सवाल ये कि एफआईआर देर से दर्ज क्यों की गई? तीसरा सवाल ये कि आरोपी की मेडिकल जांच रिपोर्ट कहां है, क्यों नहीं दिखाई गई वो, क्यों नहीं बताई गई? चौथी ये कि अप्राकृतिक मौत नहीं थी, अननेचुरल डेथ नहीं थी, तो फिर पोस्टमार्टम क्यों हुआ? पांचवा सवाल ये कि जांच के नियमों में अनदेखी क्यों की गई? छठा सवाल ये कि सीबीआई और राज्य के रिकॉर्ड में इतना अंतर क्यों है? पुलिस लगातार शुरू से ही सवालों के घेरे में थी, यही कारण है कि सीबीआई को हैंडओवर करने की, सीबीआई जांच की जो मांग है वो की जा रही थी, लेकिन तब भी ममता बनर्जी अड़ी रही, उन्होंने रविवार तक का वक्त दिया था, लेकिन फिर कोर्ट इंटरवीन करता है, कोर्ट को यह मामला देना पड़ता है और वो ये कहते हैं कि रविवार तक का इंतजार क्यों। लेकिन आइए वापस हम लौटते हैं, आज की बात करते हैं, जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई है उस स्टेटस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं, और साफ तौर पर उस पर अखिलेश जी वो लेट लतीफी, वो वारदात को किस तरह से छिपाने की, ढांकने की कोशिश की गई और किस तरह से बचाया जा रहा था, इन तमाम बातों का जिक्र है और कड़ी टिप्पणी भी। बिल्कुल, काली फटकार लगाई और जस्टिस पारदीवाला ने यहां तक कहा कि अपने कैरियर में हमने 30 साल में इस तरह की रिपोर्ट नहीं देखी थी, क्योंकि बार बार वो ये पूछ रहे थे कपिल सिब्बल से, जो पश्चिम बंगाल की तरफ से थे, कि आखिर अननेचुरल डेथ होने की वजह से ही आपने पोस्टमार्टम कराया, ये पता था आपको कि अननेचुरल डेथ है, अगर नेचुरल डेथ होती तो पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं पड़ती, उसके बावजूद आपने एफआईआर दर्ज नहीं किया। एफआईआर रात को 10:30-11 बजे दर्ज होती है, और ये सवाल है कि अगर एफआईआर पोस्टमार्टम के बाद एफआईआर दर्ज होती है, इसका जवाब पश्चिम बंगाल नहीं दे पाया। वो बार बार ये कहते रहे कि हमने अपने सीक्वेंस में, अपने जवाब में सारी बातें लिखी हैं, लेकिन कपिल सिब्बल इस बात को नहीं बता सके। कई और सवाल थे पश्चिम बंगाल सरकार से जो नहीं वो दे पाए, और इसमें तमाम ऐसी खामियाँ देखने को मिली उनकी रिपोर्ट में, उनकी केस डायरी में, जिसके बाद कोर्ट को ये कहना पड़ा कि हमने इस तरह के केस डायरी या इस तरह की रिपोर्ट नहीं देखी है। हालांकि सीबीआई जांच कर रही है, सीबीआई अभी जांच इनिशियल स्टेज पे है, इसलिए सीबीआई की जांच से कोर्ट संतुष्ट दिखा। सीबीआई जिस रास्ते पर जा रही है, सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन बार बार जो पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल किया जा रहा था उसका जवाब वो नहीं दे रहे थे, या फिर घुमा फिराकर दूसरी बातों पर वो आ जा रहे थे। लेकिन आज की सुनवाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अगर देखा जाए तो ये था कि आज सुप्रीम कोर्ट की अपील को डॉक्टरों ने सुना, उसको माना, और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई खत्म होते ही स्ट्राइक जो थी एम्स की खत्म कर दी गई। उसके पहले कई डॉक्टर संगठन ने अपनी स्ट्राइक खत्म की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दो चीजों पे आप ध्यान रखा। ठीक है अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ।